क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की है और मैं भी मानता हूं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस ने दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान के साथ कब क्या हुआ, अगर संविधान का महात्म्य समझते तो संविधान के साथ यह न हुआ होता। और इसलिए जितनी बार आप संविधान बोलोगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको अपनी गलतियों का एहसास करवा देगी, आपके इरादों का एहसास करवा देगी और आपको सच में संविधान इस देश के अंदर महामूल्य है इसका ताकत का अनुभव कराएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यही लोग हैं। इमरजेंसी में संविधान बचाने के काम आपको याद नहीं आया था? आपातकाल, यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप जिन्होंने किया है, इनको तो संविधान बार बार बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन लोगों को बार बार संविधान बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को लाया है, उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, उनके लिए संविधान बचाना ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट, उसने एक प्रस्ताव पारित किया हो, उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए उन लोगों को बार बार संविधान बचाओ ये मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। पीएम और पीएमओ, पीएम और पीएमओ के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महत्व समझना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है और देश की चुप्पी भी कभी न कभी तो रंग लाएगी। सर्वोच्च अदालत वो संविधान के रचित सीधा सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कहे कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवीय को तकलीफ दे, आंदोलन ऐसे न हो जो हिंसा का रास्ते चल पड़े, ये बार बार और बार 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 सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अधीर जी देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआर अब ठीक हो गया है, चिंता मत, नहीं आपका सीआर हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया है, आपका सीआर ठीक हो गया।
संविधान बचाने की बातों वालों का ना, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने, माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद ये स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है।